हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आप अपने क्रोम ब्राउज़र में बहुत ही मस्त थीम लगा सकते हो और इसको बहुत बढ़िया लुक दे सकते हो, तो वीडियो में बने रहिए एंड तक ताकि आपको मैं अच्छे समझा पाऊँ कि आप ये थीम कैसे लगा सकते हो। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ऐसी वीडियोस रेगुलर आती हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि इस तरीके से मेरा ये ब्राउजर लग रहा है, फिर आपको मैं ये थीम लगा के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, पूरा डार्क मोड इसमें सेट हो चुका है और ये लुक इसका कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, कितना ऑसम लग रहा है। अगर आपको ये लगाना है तो आपको सेटिंग में जाना होगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ करके, सेटिंग में गए आप और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपेयरेंस का, मैं आपको उसको सर्कल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये अपेयरेंस का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा वो ऑप्शन। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का विंडो ओपन होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही हमने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, आपको थीम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पे आपको सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो जैसे आप सेलेक्ट करते हैं इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो देख सकते हैं अभी मैंने जो थीम लगाई है उसके बारे में आ रहा है। इस थीम का नाम है ब्लैक ब्लू शर्ट्स, आप इसको अपने उसमें सर्च कर सकते हैं और इसे लगा सकते हैं। तो बाकी मैं थीम्स आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कितनी ऑसम थीम मिल जाएंगी और आपको हर एक कैटेगरी की थीम मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा थीम्स हैं। अगर आप सर्च करके भी ढूंढेंगे तो आपको और अच्छी थीम मिल सकती है। तो मैं आपको एक बार ऊपर से नीचे तक दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इस तरह की कुछ थीम्स हैं। तो मैं अभी इनको थीम लगाने का तरीका बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो हम पहले कोई थीम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई अच्छी सी, और फिर इसको लगाने का आपको तरीका बताते हैं। तो यहाँ पे मुझे थीम एक सही लग रही है और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है। ऐड टू क्रोम पे क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड होने लगेगी। डाउनलोड होने के बाद ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल भी हो जाएगी और ये लग जाएगी। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे हो रही है। तो यहाँ पे एक दो सेकंड का टाइम लगता है थोड़ा बहुत, और ये अब ऑटोमेटिक आपकी सेट हो जाती है। तो ये यहाँ पे हो चुकी है ये ऐड, और ये इस तरीके से आपको दिख जाएगी। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए कितनी ऑसम लग रही है। और भी आप इस तरफ की बहुत सारी थीम लगा सकते हैं अगर आपको लगाना हो, पर मुझे अभी पहले वाली थीम ज़्यादा सही लग रही थी, क्योंकि उससे आपकी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में अगर डार्क मोड होता है तो उससे बैटरी आपकी कम जाती है और कंप्यूटर में बिजली कम खर्च होती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर डार्क मोड में लाइटिंग का यूज़ कम होता है, इसलिए मैं डार्क मोड को आपको प्रेफर करूँगी कि कोई भी डार्क थीम लगाएं जिससे आपकी बैटरी ना जाए जल्दी। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। डार्क जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, डार्क या ब्लैक सेलेक्ट कर लीजिए, तो ब्लैक में आपको यह सारी थीम मिल जाएंगी, आप इनमें से कोई लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी वाली थीम लगानी है तो यहाँ पे आपको डार्क ब्लू डालना होगा, या फिर आप ब्लैक ब्लू शर्ट्स भी डाल सकते हैं, वो आपको एक बार में मिल जाएगी। इसी टाइप में आपको रेड भी मिल जाएगी, ग्रीन भी मिल जाएगी, बहुत सारी मिल जाएंगी, आप वो नाम डाल के सर्च कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसका नाम ये आ गया, और ये आप यहाँ से सर्च करके डाल सकते हैं और इसे अपने में लगा सकते हैं। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना होगा, ऐड टू क्रोम पर, और ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। मैंने इसको पहले डाउनलोड किया था तो बस इसलिए केवल एडिंग पे क्लिक करूँगा और ये सेव हो जाएगी। तो ये देखिए, ये मेरी थीम लग चुकी है। मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से न्यू टैब पे, तो ये इस तरीके से लग रही है। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह और वीडियोज़ के लिए मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर।